जैन दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, पिछले दिनों से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। दरअसल दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर और सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, इसराइल और गाजा के बीच में फिर से एक बार तनातनी शुरू हो चुकी है और इस बार गाजा की तरफ से इतना भयानक हमला किया गया है। दरअसल दोस्तों, इस हमले के बाद इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि गाजा की तरफ से इसराइल के ऊपर 21 मिसाइलें दागी गई और इस घटनाक्रम से कुछ ही देर पहले इस्लामिक जिहाद संगठन की तरफ से भी इसराइल के ऊपर मिसाइलें दागी गई थी। गाजा और इस्लामिक जिहाद की तरफ से इसराइल के ऊपर ये मिसाइलें इसलिए दागी जा रही है क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले इसराइल ने इस्लामिक जिहाद के लीडर को अरेस्ट कर लिया था। साथ ही इस्लामिक जिहाद का ये लीडर इसराइल की जेल में पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहा था, जिसकी वजह से इसराइल की जेल में इस लीडर की जान चली गई है। और इसी बात को लेकर गाजा और इस्लामिक जिहाद इसराइल के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं और इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में तो गाजा और इस्लामिक जिहाद की तरफ से रॉकेट हमले किए गए, जिसके जवाब में इसराइल ने आर्टिलरी सेल्स फायर कर ताबड़तोड़ जवाब दिया और इस बात से भड़के गाजा और इस्लामिक जिहाद ने 21 मिसाइलें इसराइल के ऊपर फायर कर दी। ये मिसाइलें गाजा की तरफ से इसराइल के अलग अलग इलाकों में दागी गई हैं, जिनमें से कई सारी मिसाइलें तो इसराइल के रिहायशी शहरों में जाकर गिरी हैं। कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 16 मिसाइलें कुल इसराइल के शहरों में जाकर फटी और 6 मिसाइलों को इसराइल के आयरन डोम द्वारा इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये निकल कर आता है कि इसराइल जैसा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश और इसराइल का जो सुपर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो हिंदी मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पाया। दरअसल दोस्तों, सूडान के कुछ हैकरों द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि जब गाजा ने इन मिसाइलों को फायर किया तो उनकी तरफ से इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ समय के लिए हैक कर लिया गया था। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपको बताना चाहूंगा, इन मिसाइलों के अटैक से अभी तक किसी के जान जाने की तो खबरें नहीं आई है, लेकिन कई सारे लोग जख्मी हो गए और इसराइल की कई सारी इमारतें ध्वस्त हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ही इसराइल ने गाजा और इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला ले लिया। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आप सभी मित्रगणों की क्या राय है, अपने वैल्यूएबल विचार कमेंट्स कर जरूर बताएं।